हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीके सिविल वर्ल्ड। इन आवर लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस द क्वेश्चंस अप टू 200 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लासेस एंड प्रीवियस वीडियोस। और अब हम लोग कुछ आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, और ये हमारा सीरीज चल रहा है GPSC रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 201, इन राफ्ट फाउंडेशन द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सॉइल प्रेशर पी एंड एवरेज सेटलमेंट एस इज नोन एज। राफ्ट फाउंडेशन में रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सॉइल प्रेशर पी एंड एवरेज सेटलमेंट एस इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर इज ए, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ सॉइल प्रेशर पी एंड एवरेज सेटलमेंट एस। क्वेश्चन नंबर 202, राइज ऑफ द वाटर टेबल इन कोहिजन लेस सॉइल अप टू ग्राउंड सरफेस रिड्यूस द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली बाई। जब कोहिजन लेस सॉइल के अंदर वाटर टेबल जो है ग्राउंड सरफेस तक आ जाता है, तो उसमें नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होकर 50% जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 50%। क्वेश्चन नंबर 203, फॉर अ टू डायमेंशनल फ्लो इन एन आइसोट्रॉपिक सॉइल इफ़ kx एंड ky आर द परमिएबिलिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन देन इफेक्टिव परमिएबिलिटी के इक्विवेलेंट फॉर द सॉइल इज गिवन एज। तो आंसर इज डी, अंडर रूट kx एंड ky, kx इंटू ky या kx इंटू ky टू पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 204, एट अ लिक्विड लिमिट ऑल द सॉइल पोजेस सेम सीयर स्ट्रेंथ ऑफ ए स्मॉल मैग्नीट्यूड। लिक्विड लिमिट में सभी सॉइल की सीयर स्ट्रेंथ जो होती है वो सेम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 205, रैंकाइंस थियोरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम दैट द बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड द स्मूथ। रैंकाइंस थियोरी का जो रैंकाइंस ने जो अपने अर्थ प्रेशर की थ्योरीज दी थी, उसके अंदर उसने बैक ऑफ वॉल को, वॉल का जो सरफेस है उसको एज्यूम किया था कि इट शुड बी वर्टिकल एंड द स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 206, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इफ़ द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पान एंड एट द सपोर्ट ऑफ द बीम आर न्यूमेरिकली इक्वल। द आंसर इज ए, 27 kN। क्वेश्चन नंबर 207, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द रियल बीम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सीयर फोर्स एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द कंजुगेट बीम। This theorem is used for analysis of the beam in which of the following method? So answer is none of these, option number D. 208, question number 208, beam AB of the span is 15 meter and having the uniform flexibility is 10^4 kN into meter square is subjected to the rotation of 0.003 radian at the end B. What is the fixed end moment kN to meter at A? So ए पर फिक्स एंड मोमेंट जो है वो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 209, प्लेन स्ट्रेस ऑन एक्स एंड वाई फेस आर 4.2 N/mm² एंड 9.6 N/mm² रिस्पेक्टिवली। वैल्यू ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस एट द पॉइंट वेयर द सीयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम वुड बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6.9 N/mm². क्वेश्चन नंबर 210, फॉर ए पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.3 the ratio of the volumetric strain to the hoop strength in the thin spherical cell is, volumetric strength or hoop strength का जो ratio है वो 3 हो जाएगा, option A is correct। question number 211, the ratio of the maximum deflection of cantilever beam of span 1 with I as a load of W at the free end and second as a uniformly distributed load over the entire length of load W then it is given by, answer is B, 8/3। तो हमको पता है कि यदि कैंटीलीवर है तो कैंटीलीवर है पॉइंट लोड है तो WL³/3EI होता है, और UDL है तो WL³/8EI होता है, दोनों का रेशियो करेंगे तो 8/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 212, वर्टिकल रिएक्शन एट द सपोर्ट फॉर ए गिवन ट्रस एस। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सी, 70 kN। 213, the force in the member 2-5 in the truss is given as, यहाँ पे truss member है तो 2 और 5 में कितना force आएगा, तो option B is correct, 7.5 kN
टेंशन में। क्वेश्चन नंबर 240, इफ़ एफ इज़ अ फ्रीक्वेंसी एंड टी इज़ अ टाइम पीरियड, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2πf, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑप्शन बी इज करेक्ट 2πf। क्वेश्चन नंबर 215, इन अ कॉलम एनोलॉजी मेथड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एनोलॉजस कॉलम फॉर ए फिक्स बीम ऑफ द स्पान एल एंड फ्लेक्सिबिलिटी ई आई इज टेकन एज, ऑप्शन सी इज करेक्ट एल क्यूब अपॉन 12EI, एल क्यूब अपॉन 12EI। क्वेश्चन नंबर 216, द फिक्स सपोर्ट इन रियल बीम बिकम डैश इन करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बीम, रियल बीम और कंजुगेट बीम में फिक्स सपोर्ट जो है वो फ्री इंड हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 217, बीम फॉर द बिलो सोन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैन आइदर बी द सिंपली सपोर्टेड बीम और अज अ कैंटिलीवर बीम। 218, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो स्टेटमेंट वन एंड थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम सीधा वन और थ्री को देखेंगे। स्टेटमेंट वन दिया, अल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन द टू सेक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट वैल्यू एट दोस सेक्शन, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इन सिंपली सपोर्टेड बीम अल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एनी सेक्शन इज सेम एज दैट ऑन द राइट साइड ऑफ दैट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज टू बी प्रिपेयर बाई कटिंग ऑफ ए सर्कुलर log of the timber having diameter is d, what should be the width of strongest rectangular section to resist the moment, option c is correct, d by root 3। question number 220, which of the following method is more accurate for approximate analysis of building frame subjected to the horizontal loading when the stiffness of the member is different, option d is correct, fracture method। 221, difference between gross diameter and the nominal diameter for a rivet up to 25mm diameter is, 25mm diameter के लिए gross diameter and nominal diameter और rivet कितना difference होना चाहिए, तो option B is correct, 1.5mm। question number 222, the magnitude of the tensile and compressive residual stress is rolled section may reach 0.3 fy and 0.5 fy। क्वेश्चन नंबर 223, द थिकनेस ऑफ द वेब फॉर अनस्टिफंड गर्डर विथ द क्लियर डिस्टेंस इज डी बिटवीन द फ्लैंज शैल नॉट बी लेस देन डी बाई एटी फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर यील्डिंग पॉइंट इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए स्ट्रक्चर स्टील कैन बी अवॉइडेड बाई कोल्ड वर्किंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 225, अकॉर्डिंग टू द IS 800/1984 लेसिंग बार शुड रेजिस्ट अ ट्रांसवर्स शीयर इक्वल टू 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड इन द मेंबर। क्वेश्चन नंबर 226, द कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर द स्टील इज टेकन एज ए इज 12×10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 227, मिनिमम पिच इन अ रिवेट जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। क्वेश्चन नंबर 228, गजेट प्लेट आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट, गजेट प्लेट जो है वो सीयर एंड बेंडिंग के लिए डिज़ाइन की जाती है, तो गजेट प्लेट आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट सीयर फोर्स एंड बेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 229, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर द गेंट्री गर्डर, गेंट्री गर्डर के लिए कौन सा सेक्शन सबसे बेस्ट एफिशिएंट माना जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आई सेक्शन विद द चैनल अटैच एट द टॉप एंड बॉटम एट द टॉप फ्लैंज सॉरी। क्वेश्चन नंबर 230, फॉर द बैटन स्ट्रट्स द इफेक्टिव लेंथ विल बी इंक्रीज बाय, फॉर बैटन स्टड इफेक्टिव लेंथ शुड बी इंक्रीज बाई 10%। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियोस में बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इस तरीके से पार्ट वाइज हमारा सभी वीडियो जो है वो चलता रहेगा।